हेलो एवरीवन, हेलो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। हाय एवरीवन, प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, आई एम ऑडिबल। प्लीज मुझे कमेंट नहीं दिख रहे किसी के। हाय जागृति, हाय मधु जी, हेलो हेलो जागृति, प्लीज टैग कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। और जल्दी सभी जो भी आज मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, प्लीज जल्द से जल्द आप लोग अपने फ्रेंड्स को सभी को टैग कर दीजिए। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी के साथ में आई हूँ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि फादर्स डे एंड ऑफ द कॉर्नर है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसी रेसिपी बनाते हैं जो बच्चे भी बना सके। तो जल्दी से आप लोग अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे कर दीजिए यहाँ पे। तब तक मैं अपना इंट्रो देती हूँ। हाय एवरीवन, आई एम लता कपूर, फाउंडर ऑफ व्यंजन बनाना सीखे हिंदी में। तो आज सभी का वेलकम करती हूँ अमूल के पेज पर। अमूल के क्या बात की जाए, अमूल के ब्रांड इतने अच्छा है। अमूल ऐसा ब्रांड, जाना माना ब्रांड है। बचपन से ही हम अमूल का सारे प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हैं। सुबह की मॉर्निंग टी से लेकर नाइट के डिनर तक में हमारे पास अमूल के प्रोडक्ट ही यूज करते हैं हम लोग। तो इसको कोई मुझे ऐसा लगता है कि शोकेस करने की जरूरत नहीं है। और आज अमूल के प्रोडक्ट के साथ में मैं बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ। कल भी हमने बहुत ही अमेजिंग सा एक सेशन करा था, कल भी हमने जैसे कि आपको पता है फादर्स डे आ रहा है, एंड ऑफ द कॉर्नर है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसी छोटी छोटी इजी सी रेसिपी सिखाते हैं जो कि बच्चे भी बना सके। मदर अगर छोटे, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो मदर के हेल्प से अपने फादर के लिए कुछ बना सके। और बहुत इजी सी है, जिसमें हमने कल चीजी सैंडविच बनाया था पूरा लोडेड। और आज हम बनाने वाले हैं यहाँ पे ब्रेड पिज्जा। पिज्जा बेस नहीं यूज करेंगे हम, ब्रेड से ही बनाएंगे। तो अब बहुत ही इजी रेसिपी है, साथ में हम लेमन भी बनाएंगे, एक ड्रिंक तो साथ में चलती ही है। तो जैसे ही आपको पता है कुछ खाने के साथ में ड्रिंक हो तो मजा आ जाता है, तो आज लेमन भी बनाने वाले हैं। हाय हाय एवरीवन, सभी को मुझे एक बार बता दीजिए, आई एम ऑडिबल ना, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, प्लीज मुझे बता दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर। प्लीज मुझे बताइए मेरा ऑडियो वीडियो। मधु जी, आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पिज्जा। सिंपल रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है, बट कुछ टिप्स एंड टिक्स के साथ में बताने वाली हूँ। तो इसके साथ में हम बनाएंगे। जल्द से जल्द आप लोग अपने फ्रेंड्स को सभी को टैग कर दीजिए ताकि हम लोग स्टार्ट कर सकें। और साथ में हम बनाएंगे लेमन भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक हम लोग बना रहे हैं ब्रेड पिज्जा, तो उसके लिए हमें चाहिए ब्रेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल करा है। आप इस जगह पे नॉर्मल जो ब्रेड आती है वो ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड या व्हाइट ब्रेड कोई भी ले सकते हैं। साथ में इस तरीके का हमारे पास पिज्जा स्टैंड आता है, तो इस पे हम बनाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं ऑयल से ग्रीस कर लूंगी ताकि हमारा ये चिपके नहीं। इसके ऊपर ही हम अपना पिज्जा रखेंगे, सॉरी अपनी ब्रेड रखेंगे, ठीक है। पिज्जा बेस लेना चाहते हैं पिज्जा बेस ले सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा बटर, अमूल बटर लगाऊंगी मैं यहाँ पर। आप कोई भी सॉस लगाते हैं, उससे पहले मैंने कल भी आपको बताया था, तो आप उसे एक बटर से आप कोट कर देंगे तो वो अच्छे से हमारी स्प्रेड हो कर देंगे, तो हमारा जो होता है सॉगी नहीं होता, थोड़ा सा अच्छा सा रहता है, क्रंच बनता है। तो आप इस तरीके से ब्रेड पे बटर लगा दीजिए। और मैंने यहाँ पे अपने ओटीजी को भी प्री हीटिंग पे लगा दिया है 180 डिग्री पे। आप इसको जैसे मैं इसमें कर रही हूँ आप गैस पे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको आज ओटीजी पे बना रही हूँ, और ओटीजी पे जब करें तो बच्चे जो बनाए तो अपनी मदर की हेल्प या किसी बड़े की हेल्प जरूर लेंगे। क्लियर है? हमने यहाँ पे बटर लगा दिया है।
अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज्जा पास्ता सॉस लगा दीजिए। पिज्जा सॉस की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरे चैनल का लिंक यहाँ पे दिया गया है, होम पैराडाइज के नाम से है, और वहाँ पे अब मैंने काफी तरह की सॉसेस दिखाई हैं, मैंने काफी तरह की अभी हमने अमूल पे ही मैंने काफी तरह की मैंने यहाँ पे कॉफी बनाना सिखाई थी, कोल्ड कॉफी, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, मैं एक होम बेकर भी हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लासेस भी देती हूँ, बहुत ही अगर आप लेना चाहते ले सकते हैं। साथ में मैं एक ब्रांड भी चलाती हूँ जेएसएम फूड के नाम से, जिसमें हमारे हर तरह के प्रीमिक्स मिलते हैं, कोल्ड कॉफी प्रीमिक्स हो गया, ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स हो गया, सभी तरह के प्रीमिक्स मिलते हैं। आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक बार मेरे प्रीमिक्स को ट्राई करिएगा, बहुत ही अमेजिंग से प्रीमिक्स है, जो कि आपको अभी कुछ टाइम पे अमेजोन पे भी मिल जाएंगे, नहीं तो आप मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8700220689। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से अपना पिज्जा पास्ता सॉस साथ कर दिया। अगर आपके पास में नहीं है तो यहाँ पे ये नहीं कि नहीं बनाना, आपको जो केचप होती है केचप के अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और उसके अंदर आप ऑर्गेनो डाल के भी आप इसको बना सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं अपने आपको कुछ अपने प्रीमिक्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस तरह के प्रीमिक्स है मेरे, तो ये आप मेरे पास सारे कोल्ड कॉफी में मिलेंगे। काफी सारे बेरमी पूरी का है मेरे पास में, इडली का है, इडली और आपके पास ढोकला, काफी सारे प्रीमिक्स हैं, तो आप ले सकते हैं। जैसे हेजलनट कॉफी है, सिर्फ इसको अंदर आप ये था चिल्ड वाटर या चिल्ड मिल्क में बना सकते हैं। यहाँ पे क्रीमी कोल्ड कॉफी है, काफी सारी कोल्ड कॉफी आपको मेरे पास मिल जाएगी यहाँ पर। यहाँ पे देखिए क्रीमी कोल्ड कॉफी, हेजलनट, बनाना कोल्ड कॉफी बहुत सकती, व्हाइट मोका, बहुत ही हाई डिमांडेड कोल्ड कॉफी है मेरे पास, 16 प्लस मेरे पास भी सारे हैं, तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने देखिए यहाँ पे अपनी पिज्जा पास्ता सॉस लगा दी है, और मैं जैसे आपको बताया कि अगर आपके पास पिज्जा पास्ता सॉस नहीं है तो आप केचप के अंदर आप चिली फ्लेक्स और साथ में थोड़ी सी ऑरेगानो डाल के आप उसे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे लेंगे हम अपनी अमूल की चीज स्लाइस, देखिए। और मेरे घर में तो भाई अमूल की ही चीज स्लाइस पसंद की जाती है, कोई भी नहीं। अगर कभी भी होता है कि मुझे मार्केट में नहीं मिली ना तो और मैं दूसरे ले आऊं तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, उनको यही पसंद है। तो हमने यहाँ पे लिया है मैंने अमूल चीज स्लाइस, तो यहाँ पर मैं चीज स्लाइस ले रही हूँ। आप चाहे यहाँ पे ग्रेटेड मोज़रेला चीज भी डाल सकते हैं पहले नीचे, लेकिन मैं यहाँ पे चीज स्लाइस रखूंगी। साथ में मैंने यहाँ पे कुछ वेजेस ली हैं, भाई पिज्जा बन रहा है तो वेजेस से लोडेड बनाएंगे ही, तो यहाँ पर मैंने ली है कैप्सिकम, येलो है, रेड बेल पेपर है मेरे पास, ग्रीन है, यहाँ पर मेरे पास में अनियन है और स्वीट कॉर्न है, कोई भी आप जो भी लेते हैं। पनीर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अमूल पनीर का भी इस्तेमाल करूंगी, तो वो भी मेरा भी मैंने फ्रिज में रखा हुआ, वो भी मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में सारी वेजेस हैं, वेजेस से लोडेड बनाएंगे, और साथ में हमारे पास में कुछ ऑलिव्स, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑलिव्स भी लेंगे हम लोग, जो की बहुत ही हेल्दी होते हैं। और अगर आपके पास में पिज्जा पास्ता सॉस नहीं है, केचप नहीं है, आपके पास कोई भी सैंडविच स्प्रेड है वो भी आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये नहीं कि हमारे पास ये नहीं था तो हमने नहीं बनाया, ऐसा नहीं करना, आप बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ मोज़रेला, थोड़ी सी मैं यहाँ पे चीज भी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं लोडेड बनाने वाली हूँ अच्छे से। यहाँ पे हम अपनी वेजेस को अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन कैप्सिकम, येलो, अरेंज आपने अपने हिसाब से करना है, जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे करिए आप इसको। जैसे भी आपको पसंद है वैसे आप इसमें करिए, इसमें टमाटो डाल सकते हैं अगर टमाटो आपको पसंद है तो। मेरे पास में टमाटो मैंने नहीं यूज करे क्योंकि मैं यहाँ पर ब्रेड बेल पेपर यूज कर रही थी, तो मुझे कलर थोड़ा सा ऐसे ही इस हिसाब से लगा कि मुझे यहाँ पे रेड बेल पेपर यूज कर रही हूँ, तो मैं इसको मैंने स्किप कर दिया। कलरफुल बनाना है आपको, बस ये है कि कलरफुल बनाइए, जैसे भी है कलरफुल अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने कलरफुल इसको मैं अरेन्ज कर रही हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तब तक आप पूछ सकते हैं मुझसे। मधु जी मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली से, लेकिन मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलाती हूँ। मैं एक फेसबुक ग्रुप भी चलाती हूँ जहाँ पे मैं कॉन्टेस्ट वगैरह भी अरेंज करती हूँ, तो आप लोग वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पे लिंक दिया गया है।
जागृति आप यहाँ पे लिंक दे दीजिएगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8700226689, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। मेरे काफी सारे कॉन्टेस्ट मेरे ग्रुप में चलते रहते हैं, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। अभी हमारे अमूल के कॉन्टेस्ट चल रहा था बहुत ही अमेजिंग से, और एक अमूल के कॉन्टेस्ट की मैं जजिंग भी करती हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी, मैं पनीर की स्लाइसेस ले रही हूँ, ठीक, क्योंकि बच्चों को देना है कुछ हेल्दी देना चाहिए, तो इस तरीके से मैं बच्चों यहाँ पे पनीर की स्लाइसेस भी लगा रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पे डालूंगी कुछ कॉर्न। बहुत ही इजी रेसिपी है, ऐसा नहीं है कि ये रेसिपी आप लोगों को नहीं आती होगी, सबको आती होगी, थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, बस वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से इसको करा है, जैसे कि हमेशा इसको मैंने आपको बताया पिज्जा, जो पिज्जा ट्रे होती है इसको हमेशा ग्रीस करना चाहिए, जिससे कि हमारी बिल्कुल भी चिपकती नहीं है, ये चिपकती नहीं है, तो इसीलिए बस थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए आपको और कुछ नहीं। अब मैं इसको बेक करूंगी 180 डिग्री पे 10 से 15 मिनट के लिए। सबसे पहले मैं इसको सेकेंड रॉड पे रखूंगी, फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए ऊपर वाली रॉड पे रखूंगी। यहाँ पे कुछ ऑलिव्स है मेरे पास में, ये मैं अरेंज कर दूंगी। इजी सी रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। साथ में मैं इसमें थोड़ी सी पिज्जा सीड्स भी डालूंगी। थोड़ा सा डालेंगे हम लोग सॉल्ट, सॉल्ट ज्यादा नहीं डालना क्योंकि हमारी चीज में भी सॉल्ट होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ। साथ में हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, और इसमें डालेंगे हम ढेर सारा अमूल चीज। अमूल चीज में मोज़रेला चीज इस तरीके से यूज करती हूँ, ये वाला यूज करेंगे हम लोग, ग्रेटेड वाला जो आता है ये वाला लेंगे हम। चीज आपको है जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से इस पे आप डालिए। यहाँ पे हमारी हो चुकी है, इसको थोड़ी सी मैं और ड्रेसिंग कर देती हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे मैं और पिज्जा सेपरेट कर देती हूँ, और साथ में हम यहाँ पे थोड़ी सी पिज्जा सीजनिंग। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसको हम लोग बेक करेंगे 180 डिग्री पर। इसको मैं पहले 15 मिनट के लिए मैंने टाइमर लगाया है, 10 मिनट के लिए मैं सेकेंड रॉड पे, उसके बाद फर्स्ट रॉड पे मैं इसको लगाऊंगी। तो ये मेरा जाता है यहाँ पे ओटीजी में। क्लियर है आप लोगों को? इसका सब एक चीज रह गया मैं वो बताती हूँ, जो मेरी टिप्स थी वो रहेगी। हमने यहाँ पे लेना है ऑलिव ऑयल और इसको थोड़ा सा इसमें ड्रिजल कर देना है। थोड़ी सी वही बताइए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो थोड़ा सा आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा सा पिज्जा मार्केट जैसा घर पे बना सकते हैं। यहाँ पर हमारी हमने कर दिया है यहाँ पे ऑलिव ऑयल को थोड़ा सा, तो क्लियर है आप लोगों को? बहुत इजी सी रेसिपी, ये नहीं कहूंगी कि ये रेसिपी मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी को आती होगी। ब्रेड मैंने नॉर्मल ब्रेड जो सैंडविच ब्रेड आती है वो ली है, आप घर पे रेगुलर जो ब्रेड यूज करते हैं वो ले सकते हैं या फिर आप पिज्जा बेस ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए जब तक हमारा ये बेक हो रहा है तब तक हम अपनी लेमन ड्री तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पे एक ग्लास, यहाँ पे लिया है मैंने एक लेमन जिसको मैं इसी के से इसकी एजिस पे लगा रही हूँ। साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ शुगर और इसको इस तरीके से कोट कर दूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है कुछ मिंट लीव्स,
मिंट लीव से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे मैं मिंट लीव का इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिंट लीव लूंगी और इसको इस तरीके से रफली क्रश कर लूंगी, ऐसे हाथ से ही क्रश कर लूंगी। और यहाँ पर मैंने एक लेमन डी, यहाँ पे मैंने लिक्विड ही में बना के रखा हुआ है, इसमें बता देती हूँ आपको शुगर है मेरा, और साथ में शुगर को मैंने वाटर में अच्छे से डिजोल्व करके बॉइल करके बनाया हुआ। इसकी रेसिपी भी आपको अमूल पे मिल जाएगी। तो मैंने काफी सारी यहाँ पर आपको बनाने बताए थे, काफी सारे यहाँ पे मैंने ड्रिंक्स बनाने बताए थे जिसमें मैंने रोज सिरप वगैरह सब कुछ रहता, उसमें ही था एक लेमन ड्री जिसको आप शिकंजी के तरह आप बनाकर इसको रख सकते हैं, जब भी कोई गेस्ट आए तो आप उनके लिए बना सकते हैं। ये मैंने बनाए हुए शायद एक से डेढ़ महीना हो गया, बिल्कुल भी इसमें खराब नहीं हुआ। तो यहाँ पर उसमें मैंने पहले शुगर को पानी के साथ डिजोल्व कर लिया, अच्छे से बॉइल कर लिया, जब वो थोड़ा ठंडा हो गया तो उसके अंदर मैंने लेमन जूस डाला और ये मेरा पूरा रेडी हो चुका था, इसी को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा लिया मैंने, और साथ में लूंगी मैं लेमन की स्लाइसेस, ठीक है। और इसको हम एक अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मिंट का हमारे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा शुगर, आपको जैसे भी आपको पसंद है, जितना भी टेस्ट के हिसाब से उस हिसाब से करेंगे आप, ठीक है। साथ में हमने यहाँ पे डालना है ब्लैक पेपर, हमेशा बहुत अच्छा जाता है लेमन ड्री के साथ ब्लैक पेपर। यहाँ पे मेरा नॉर्मल सॉल्ट जो है वो डला हुआ है, तो मैं जब मैंने लेमन ड्री अपना सिरप बनाया था तब उसमें डाला हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालूंगी। साथ में जाएगा हमारा सोडा वाटर, आप इसकी जगह पे स्प्राइट भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे सोडा वाटर डाल रही हूँ, आप नॉर्मल चिल्ड वाटर भी डाल सकते हैं आइस। यहाँ पे कुछ आइस क्यूब डालूंगी मैं, किसी का कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्लीज शेयर कीजिए। कल हम बनाने वाले बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जिसमें हम बनाएंगे, कल हम यहाँ पर बहुत ही चल रहा डोमिनो स्टाइल में हम लोग बनाने वाले हैं पराठा, पिज्जा पराठा बनाएंगे और साथ में एक मोजिटो बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैं आइस क्यूब डाल दूंगी और साथ में डालेंगे हम यहाँ पे सोडा वाटर, जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं स्प्राइट के साथ में, या फिर आप इसके साथ में चिल्ड वाटर भी डाल सकते हैं, या फिर आप तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी के अंदर आप इनो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। एक ड्रिंक साथ में अच्छी लगती है, तो मैंने आज ये इस तरीके से, मेरा एक ड्रिंक हम इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे हमारी लेमन ड्री देखिए कितनी झटपट बन के रेडी हो चुकी है, साथ में इसको हम एक लेमन के साथ में गार्निश करेंगे। तो यहाँ पे लेमन ड्री देखिए हमारी झटपट से बन गई है, डियर हमने आज बनाया है ब्रेड पिज्जा। ब्रेड पिज्जा मेरा बेक होने चला गया, मैं आपको रेसिपी एक बार ओरली बता देती हूँ। हमने यहाँ पे ब्रेड की स्लाइस ली थी, उसके ऊपर हमने एक जरा सा बटर लगाया था, और उसके ऊपर आपने पिज्जा पास्ता सॉस लगा सकते हैं। पिज्जा सॉस की रेसिपी, होममेड पिज्जा सॉस की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, होममेड होम पैराडाइज के नाम से, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। हमने उसको स्प्रेड करने के बाद में यहाँ पे चीज स्लाइस लगाई थी, अमूल की दो चीज स्लाइस लगाई थी, जैसे भी आपके ब्रेड का साइज होगा उसी के अकॉर्डिंगली लगाइएगा। साथ में हमने कुछ वेजेस लगाई जिसमें मैंने रेड मैंने बेल पेपर, येलो बेल पेपर, मैंने ग्रीन कैप्सिकम, कॉर्न, ऑनियन, ऑलिव, ये सभी लगाया था। साथ में पनीर लगाया, साथ में उसमें हमने मोजिला चीज ग्रेटेड डाली है, और हमने उसमें पिज्जा सीजनिंग एंड हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाला है, साथ में थोड़ा सॉल्ट डाला था। उसको मैंने प्री हीटिंग 180 डिग्री पर पहले 10 मिनट के लिए मैंने रखा है, उसके बाद में 5 मिनट के लिए मैं फर्स्ट रॉड पे रखूंगी, पहले सेकंड रॉड पे मैंने 10 मिनट के लिए, फिर फर्स्ट रॉड पे 5 मिनट के लिए रखूंगी मैं,
यहाँ, और साथ में हमने बनाई है लेमन ड्री। लेमन ड्री बनाने के लिए यहाँ पर लेमन ड्री सिरप मैंने पहले भी आप लोगों को अमूल पे ही बताया हुआ है कैसे बनाते हैं, तो वो आप रेसिपी देख लीजिएगा, मैं बना के रख लेती हूँ, पूरी समर मेरा उसी से काम चल जाता है। तो ये यहाँ पर मैंने क्या करा कि लेमन ड्री सिरप में डाला है थोड़ा सा, उसके अंदर थोड़ी सी मिंट लीफ डाली है, और साथ में मैंने कुछ यहाँ पे लेमन डाला है, लेमन स्लाइस डाली है, और सबको अच्छे से क्रश करके उसके अंदर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर डाला है, और उसके ऊपर मैंने अपना सोडा वाटर डाला है। आप उसकी जगह पे स्प्राइट भी डाल सकते हैं, नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो है लेमन ड्री बन के रेडी हो चुकी है। हाय कोमल जी, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं मुझसे। और कल हमने जो रेसिपी बनाई थी, कल हमने बनाया था चीजी, पूरा चीजी सैंडविच बनाया था, बहुत ही अमेजिंग। साथ में हमने उसमें एक हमने ड्रिंक बनाई थी कीवी मोजिटो, तो वो भी बहुत ही अच्छी बनी थी। और मैंने अभी लास्ट ही अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही अमूल पे पूरी सीरीज लाई थी, जिसमें मैंने रोज वाटर रोज सिरप बनाना बताया था, खसखस सिरप बताया था मैंने आप लोगों को, लेमन ड्री बताया था, काफी सारे सिरप मैंने आप लोगों को बताए थे। तो आप वहां से आप एक बार उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा, वो अमूल के पेज पे आपको मिल जाएंगे। तो वहां पे मैंने काफी तरह के बनाए थे, वो भी आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हो। जैसे गर्मी का टाइम है, सभी बच्चों को कुछ ना कुछ खाने या पीने के लिए चाहिए, तो छुट्टियां चल रही है बच्चों की, समर वेकेशन में बच्चे इस चीजों की बहुत डिमांड करते हैं। तो आप इस तरीके के बना के रख लीजिए। खसखस शरबत भी हमने कोई इमल्शन से नहीं बनाया था, हमने खस की जड़ से बनाया था, चंदन का शरबत है, काफी सारे शरबत हमने यहाँ पे बनाए थे, तो आप वो सारे देख सकते हैं। तो वो हमने आज जो बनाया है वो बनाया है आज हमने ब्रेड पिज्जा, साथ में हमने लेमन ड्री, और लेमन ड्री सिरप हमने वही वाला यूज करा है जो हमने लिया था, इसको फ्रिज में रखा हुआ मैंने, ये मैंने 3 से 4 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता, कोई भी हमने इसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाले है, ये बहुत ही अच्छे चल जाते हैं। किसी ने कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ सकते हैं। तो मैंने काफी सारे अमूल पे काफी सारे दिए, मैंने चॉकलेट की पूरी क्लास दी थी, कोल्ड कॉफी मैंने काफी तरह की सिखाई थी, तो वो भी आप एक बार वॉच कर सकते हैं, अमूल के पेज पे आपको मिल जाएगी। मैं तो यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगी अमूल को, मैं काफी टाइम से अमूल के साथ जुड़ी हुई हूँ, और काफी सारे मैं सेशन दे चुकी हूँ जिसमें मैं थैंक्स करना चाहूंगी पूरी अमूल की टीम का, अभिषेक सर का, सुमित सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं एक अपना जो भी कुकिंग स्किल बेकिंग स्किल है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हाय शेफ माँ, हेलो शेफ, मैं एक सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ, ऐसा नहीं है कि रेसिपी बहुत यूनिक है, मैं नहीं कहूंगी यूनिक रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी, लेकिन बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे कि मैंने पहले जब मैंने पिज्जा ट्रे थी उसको मैंने अच्छे से मैंने उसको ऑलिव ऑयल से ग्रीस करा था, उसके बाद में मेरी पूरी जब टॉपिंग हो जाने के बाद उसको मैंने स्प्रे करा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल से। और दूसरा ये कि ये रेसिपी ऐसी है जो फादर्स डे आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगा बच्चों के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे अपने फादर के लिए बना सके, छोटे बहुत छोटे बच्चे हैं तो अपनी मदर की हेल्प या किसी बड़े की हेल्प लेके बना सके, साथ में अगर थोड़े से टीनेजर एज में है तो अपने आप ही बना सकते हैं। और मुझे भी लगा कि समर वेकेशन चल रही है, घर में सभी बच्चे घर पे ही हैं, तो बच्चे बोर हो जाते हैं, कभी कुछ खाना चाहिए उनको, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ पीने के लिए चाहिए, तो मैं कहा कुछ ऐसी इजी सी रेसिपी बता दें जो बच्चे खुद भी बनाएंगे ना तो मजा भी आएगा, खुद बना भी लेंगे और अपनी पसंद का होता है पिज्जा होता है, ऐसी चीजें सभी को पसंद आता है, बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आता है, तो इसीलिए आज हमने ब्रेड पिज्जा सीखा है। तो किसी का कोई डाउट है? हाय रिंकू जी, हेलो हेलो शशि जी, थैंक यू शेफ, थैंक यू शेफ माना पाल सर का मैं थैंक्स करना चाहूंगी कि वो मुझे देख रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आप सभी शेफ से ही हम लोग सीख रहे हैं, तो थैंक यू करूंगी मैं यहाँ पे। तो हमारा वो भी बस बनने वाला है, अब यहाँ पे अपने पिज्जा उसकी प्लेटिंग की भी तैयारी कर लेते हैं यहाँ पे। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से आप हमसे पूछिए। कल बहुत ही अमेजिंग रेसिपी के साथ आ रही, डोमिनोज टाइप में हम लोग बनाएंगे पिज्जा पराठा, साथ में हम एक और बनाने वाले हैं मोजिटो, जिसमें मैंने आपको जैसे बताया कि एक ड्रिंक जरूर बनाऊंगी मैं, क्या होता है कि जब भी कुछ खाते हैं उसमें हमें लिक्विड ही जरूर चाहिए होता है, और कुछ ऐसी चीज जैसे कि पिज्जा खा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज खाते हैं सैंडविच खाते हैं तो साथ में जरूर हमारे को होता है, या तो कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है
या फिर जैसे कि कोई लिक्विड चीज अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा आज क्यों ना हम लोग इस बार ही हम लोग मोजिटोज वगैरह रखें, वो ज्यादा अच्छी लगती है, गर्मी का टाइम है, थोड़ा रिफ्रेशिंग भी देती है, और इस बार हम लोग वो रख रहे हैं। कल लास्ट सेशन रहेगा, कल 4 o'clock पे हम लोग बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है, कल की जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और साथ में आप लोगों के लिए सरप्राइज भी रहेगा। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कोई भी जो मुझे रोज वॉच कर रहा है उनमें से कोई लकी भी हो सकता है, तो प्लीज जरूर वॉच कीजिएगा मुझे 4 o'clock कल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे हमारा बज चुका अलार्म, तो हमारे पिज्जा भी रेडी हो चुका है, ब्रेड पिज्जा भी। आप इसको गैस पे भी ऐसे तरीके से कर सकते हैं, तवा है, तवे के ऊपर हल्का सा आप ऑयल लगाइए, उसके बाद अपनी ब्रेड की स्लाइस को रख के उसको कवर कर दीजिए, और जब तक आपकी चीज मेल्ट नहीं होती तब तक आप उसको कीजिए। देखिए कितने अच्छे से हमारी जो है बन के रेडी हो चुका है ब्रेड पिज्जा, तो हम कट कर लेंगे पिज्जा। यहाँ पे हम अपने पिज्जा कट से कट करेंगे, बहुत गर्म है, ध्यान से कीजिएगा। क्रंच देख रहे हैं आपको आवाज आ रही है क्रंच की, क्योंकि हमने इस पे ऑलिव ऑयल लगाया था ना, बहुत अच्छा से क्रंच आ जाता है। बहुत ही अच्छा सा क्रंच आया है इसमें, बहुत ही अच्छे से पिज्जा का। देखिए हमारी जो है अच्छे से रेडी हो चुका है, यहाँ पे देखिए हमारे जो पिज्जा स्लाइसेस है रेडी हो चुकी हैं, और साथ में हम इसको साथ करेंगे केचप। यहाँ पे हम लेंगे साथ में केचप। तो यहाँ पे देखिए हमारी अमेजिंग सी झटपट बनने वाली रेसिपी है, ऐसा नहीं है मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही यूनिक थी, ऐसा नहीं है, है सिंपल रेसिपी, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में बताई है, और सिंपल रेसिपी है जो कि हर बच्चा, मुझे लगता है अपने जो बहुत छोटा बच्चा है अपनी मदर की या किसी बड़े की हेल्प से बना सकता है, और कोई बड़ा है तो वो इजीली बना लेगा और अपने पापा को खुश कर सकता है। तो फादर्स डे पे इस तरीके से आप बनाइए, सभी बच्चों को कहूंगी, या तो फिर आप लोग अपने बच्चों के साथ में हेल्प करके कुकिंग कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, जब हम बच्चों के साथ कुकिंग करते हैं ना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने आज इस तरीके की रेसिपी ली है जो सिंपल रेसिपी है जिसे आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं, एनी डाउट एनी क्वेश्चन किसी का इसके रिगार्डिंग, बहुत सिंपल रेसिपी है, बार बार बोल रही हूँ लेकिन एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें मतलब कईयों को होता ही पता ही नहीं होता जो हमारी पिज्जा ट्रे होती है, या आप अच्छा पिज्जा ट्रे नहीं है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल ट्रे होती प्लेट होती है हमारी, जो क्वार्टर प्लेट जो हम खाने वाली प्लेट होती है सर्विंग प्लेट, उसमें भी आप बना रहे हैं तो उसको भी हल्के से आप ऑयल से ग्रीस कर दिए, ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर दीजिएगा, उसके बाद में कोई पिज्जा बेस रखते हैं तो पिज्जा बेस या ब्रेड स्लाइस जो भी आप बना रहे हैं जिससे भी बना रहे हैं उसको रखिएगा, उसके बाद में उसमें हम लोग बटर लगाएंगे। बटर मैंने आपको पहले कल भी बताया था, बटर क्यों लगाते हैं, एक तो थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर सॉफ्टनेस भी आता है, दूसरा
उसके अंदर क्या होता है, जब हम सॉसेस लगाते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारी ब्रेड जो होती है कुछ भी होता है वो सॉगी सा हो जाती है। तो अगर आप पिज्जा लगा देते हैं, सॉरी आप लोग थोड़ा सा बटर लगा देते हैं, तो उससे वो सॉगी नहीं होगा। पिज्जा पे क्या होता है कि सारी वेजेस आती है, सब कुछ है, वेजेस का भी अपना थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, तो सॉगी नहीं होने देता इतनी जल्दी से। और उसके बाद में हमने यहाँ पे चीज स्लाइस यूज करी है। आप चीज स्लाइस नहीं यूज करना चाहते तो आप मौजूदा चीज को एक बार स्प्रेड कर दीजिए अच्छे से, उसके बाद में आप वेजेस लगाइए, अरेंज कीजिए जो भी आपको पसंद है, उसके ऊपर आपने सीजनिंग करनी है। जैसे मैंने पिज्जा सीजनिंग डाली है, साथ में मैंने यहाँ पे मिक्स हर्ब डाले हैं और अपना चिली फ्लेक्स डाली है। आप जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, सॉल्ट ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमारी जो चीज होता है उसमें ऑलरेडी इतना सॉल्ट होता है। तो साथ में पनीर डाली है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत ही अमेजिंग सी बनी है। साथ में हमारे यहाँ पे हमने एक बनाया है मोजिटो बनाया है, जो हमें लेमन ड्रिंक, तो की मैंने आपको बताया है कि लेमन ड्रिंक सिरप कैसे बनाना है, उसकी रेसिपी आप हमारे अमोल के पेज पे देख सकते हैं। मैंने काफी सारे वहाँ पे सिरप बनाए थे, नवरात्रि स्पेशल में मैंने बनाए थे, नवरात्रों के टाइम पे काफी तरह के खसखस शरबत है वहाँ पे, मैंने रोज शरबत बताया था, मैंने काफी तरह के शरबत वहाँ पे, लेमन ड्रिंक शरबत थे, काफी सारे शरबत थे वो बताए थे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और जो छोटे बच्चे देख रहे हैं वो अपनी मम्मा की हेल्प जरूर बनाइएगा, और जो बड़े मदर्स देख रही हैं वो अपने बच्चों की हेल्प से भी, बच्चों से हेल्प करवा के जरूर बनाइएगा, बच्चों को जरूर बनाइएगा उनके फादर के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फादर्स डे है तो मैंने कहा कि कुछ इजी सी रेसिपी सिखाते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जेएसएम फूड की एक फाउंडर भी हूँ, जेएसएम फूड की ब्रांड चलाती हूँ एक, जिसमें मैं बहुत तरह के प्रीमिक्स लेकर आई हूँ, जिसको मैं अभी मार्केट में ला रही हूँ, अमूल वगैरह पे सॉरी अमेजोन पे वगैरह पे मिल जाएंगे। तो मैंने अभी मार्केट में मेरे ऑनलाइन बिक रहे हैं मेरे काफी अच्छे, जहाँ पे मैंने कॉफी प्रीमिक्स मेरे हाई डिमांडेड है, जिसमें मेरे 16+ मैंने यहाँ पे कॉफी बनाई है, जिसको हमने हॉट एंड कोल्ड कैसे बनाना है उसको बनाने का सारा मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, और एक बहुत ही अच्छी सी हमारी कोल्ड कॉफी बनती है, इसकी शेल्फ लाइफ कैसी है वो सब कुछ हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप ले सकते हैं। अगर आप रीसेल करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8700220689, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे इस तरीके से मैंने लेकर आई हूँ, जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ प्रीमिक्स, ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स है, जिसमें मैंने यहाँ पर बहुत तरह के इडली का प्रीमिक्स है, झटपट इडली बन जाती है, पोहा प्रीमिक्स है, पानी ऐड करा पोहा रेडी हो गया, ग्रेवी प्रीमिक्स है सर पानी ऐड करा और अपनी सब्जी डाली अपने अपनी हो गया, सांभर प्रीमिक्स है, चटनी प्रीमिक्स है, काफी सारे प्रीमिक्स मैं मार्केट में लेकर आ रही हूँ बहुत जल्दी। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप कोई घर बैठे कोई बिजनेस करना चाहती हैं लेडीज, तो मेरे साथ जुड़ सकती हैं, आप हमारे मेरे प्रोडक्ट को बेच सकती हैं अच्छे मार्जिन से और अपना अच्छा अर्न कर सकती हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए कल फिर मिलती हूँ 4 o'clock बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी के साथ में, डोमिनो स्टाइल में हम लोग पिज्जा हम लोग पराठा पिज्जा बनाने वाले हैं, साथ में एक हम ड्रिंक तो जरूर बनाएंगे ही। तो कल देखते हैं 4 o'clock कौन कौन मुझे ज्वाइन करेगा, साथ में एक सरप्राइज भी लेकर आने वाली हूँ, तो प्लीज जरूर मिलेगा 4 o'clock में, तब तक के लिए बाय।